हमने ये मखाने और नारियल के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। ये व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी बहुत ताकतवर होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम गरी और मखाने के लड्डू बनाएंगे, इसलिए हमने ये गरी काट लिया है। अभी मिक्सी में इसको पीस लेंगे, ये मखाना भी पीस लेंगे और ये काजू और बादाम छोटा छोटा काट लेंगे। इसके लिए हमने घी लिया हुआ है, ये आधी कटोरी खोया लिया है, एक कटोरी शक्कर लिया है और थोड़ी सी गोंद लिया है। सबसे पहले हम ये गरी पीस लेते हैं। ये गरी हमने पीस लिया है, अब ये मखाने पीस लेते हैं। हमने गरी और मखाने दोनों पीस लिए हैं, काजू और बादाम काट लिया है, बारीक काट लिया है। अब हम कढ़ाई में घी डालते हैं और गोंद भून लेते हैं। सबसे पहले ये गरम हो गया है, अब इसमें हम गोंद डाल देते हैं। बहुत तेज आंच में नहीं भूनेंगे इसको। गोंद पक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। अब हम इसमें गरी बुरादा भून लेते हैं, जो हमने मिक्सी में पीसा हुआ था। इसको हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे, भूनने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये गरी भून चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और ये मखाना, पिसा हुआ मखाना भूनेंगे। मखाने भून चुके हैं, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। हल्का गुलाबी होने लगा है ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये खोया भी भून लेते हैं थोड़ा सा। ये सब चीजें हमने भून कर तैयार कर लिया है, खोया भी गरम कर लिया है। अब इसमें एक कटोरी शक्कर डालेंगे। और ये आधी कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। जब तक हमारी चाशनी हो रही है, ये सब सामान हम मिक्स कर लेते हैं। चाशनी देख लेते हैं। चाशनी हमारी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देर देर से टपक रहा है दूध,
और इसमें तार भी बन रहा है, ये देखिए। अब इसमें हम सारा सामान डाल देते हैं। ये सारा सामान अच्छे से हम मिला लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब इसके लड्डू बनाएंगे हम। ये हमने काजू और बादाम काट कर लिए थे, वो भी इसी में डाल देते हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं और इसके लड्डू बनाएंगे। ये हो गए हैं, अब इसका हम लड्डू बना लेते हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद मेवे और डाल सकते हैं, किशमिश, चिरौंजी। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये हमने सारे लड्डू बनाकर रख दिए हैं। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम गार्निश कर देते हैं। ये पिस्ते से गार्निश करेंगे। सारे लड्डू हमने गार्निश कर दिया है। आप ये अच्छे से व्रत में खा सकते हैं, इसमें अन्न नहीं पड़ा है ना कोई तेल पड़ा है। ये देखिए इतने लड्डू हमने बनाए हैं, ये घी भी बच गया है। और आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।